हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज मैं और मम्मी 2 रेसिपीज़ डाल रहे हैं, जिसमें पहला वाला मैंने बनाया ब्रेकफास्ट, जो चाउमीन है वो मैंने अपनी तरीके से बनाया है। अगर आपको वो देखना है तो आप मेरे चैनल पे जा कर के उन्नति की वाणी, ऊपर आई बटन पे आप क्लिक कीजिएगा, उसका लिंक हम लोग दे चुके हैं, तो उधर जाके आप मेरा व्लॉग भी देखिएगा। और सेकंड वन इज़ मम्मी का न्यू रेसिपी है, वो उसमें हम लोग कैबेज को मसूर दाल के साथ मिक्स करके उसका कबाब बना के आलू के साथ ग्रेवी करके हम लोग बनाए वो सब्जी, जिसको हम लोग लंच में खाएँगे। और वो वाला वीडियो हम लोग ये चैनल पर देंगे। एंड गाइस, लेट्स स्टार्ट विथ न्यू रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, ये रेसिपी जो है ये है बंद गोभी मसूर दाल के कोफ्ते आलू के साथ, जो उन्नति सही से बता नहीं पाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए जो मेन चीज़ चाहिए हमें, बंद गोभी और मसूर दाल। मसूर दाल को मैंने 2 घंटे पहले ही भिगो करके रख दिया था, और पत्ता गोभी को मैंने काट लिया और उसके बाद उसको प्याज, लहसुन, अदरक के साथ मिक्सी में पीस लिया। और उसी के बाद निकाल करके मैंने मसूर दाल को भी पीस लिया। अब चलिए कोफ्ते बनाने की तैयारी करते हैं। तेल में मैंने जीरा का फोरन दिया और थोड़ी सी हींग डाली है, और इसके बाद इसमें हल्दी, नमक और धनिया पाउडर डाल करके इसमें मैंने बंद गोभी डाल दी है। बंद गोभी चूँकि जैसे कि आप जानते हैं कि बंद गोभी पानी छोड़ती है, इसलिए इसको अच्छे से चलाएंगे, और ये जब पानी सूख जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपनी पिसी हुई दाल। पिसी हुई दाल डालने के बाद इसे अच्छे से चलाएंगे ताकि मिक्सचर आपका एकदम सूख जाए, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो जम जाएगा, तो आसानी से आप काट सकते हैं। इसी के ऊपर मैंने डाल दी थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और फ्लेवर भी आता है। आप चाहें तो इसमें धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। अब ये बन चुका है, पूरा सूख चुका है। अब इसे उतारेंगे। एक प्लेट में थोड़ा सा तेल लगा लीजिए ताकि पीसेस आसानी से कट सके। जैसे कि हम लोग गट्टे की सब्जी बनाते हैं, ठीक वैसे ही। अब इसमें पूरा मिक्सचर डाल देंगे। अब पूरा सेट होने के लिए छोड़ देंगे, ठंडा होने के लिए। इसी बीच हम आलू कट कर लेंगे। इसमें लंबे लंबे आलू बहुत अच्छे लगते हैं। अब कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, उसमें ये आलू फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे। आलूओं को अच्छे से लाल करेंगे, और जब तक ये आलू लाल हो रहे हैं तब तक हम अपना जो हमने मिक्सचर ठंडा होने के लिए रखा था उसके हम पीसेस कर लेते हैं। ये पीसेस जो है ना, फ्राई करने के बाद आपको खाली जब फ्राई करके निकालिएगा, कबाब की तरह खाने में लगते हैं। खाली भी आप अच्छे खा सकते हैं इसको। ये देखिए कट गए हैं, एकदम गट्टे की सब्जी जैसे ही लग रहे हैं ना। आलू लाल हो गए हैं। अब इनको निकाल लीजिए एक प्लेट में, और उसी तेल में हम इन पीसेस को भी डीप फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम में ही सब हम फ्राई कर रहे हैं। तो अच्छे से फ्राई करने के बाद धीरे धीरे इन सभी पीस को निकाल लेंगे। काले नमक के साथ आप इसको खाइएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं। ऐसे ही खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। थोड़े से दही में मैंने सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं, हल्दी, धनिया पाउडर, मीट मसाला, और फिर तेल, जो बचा हुआ तेल था उसी में मैंने जीरा और तेज़पत्ता डाल दिया, और उसके बाद ये प्याज डाल करके अच्छे से चलाएँगे। आप चाहें तो टमाटर ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैंने कम ही डाला है क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी दही भी ऐड किया है। दही में मैंने काश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड की है, और उसके बाद ये दही में मिक्सचर जो है दही का मसाले में डाल देंगे, क्योंकि प्याज टमाटर अच्छे से भुन गए हैं। अब इस मिक्सचर को अच्छी तरह जब भुन जाएगा, तेल छोड़ने लगेगा, तो इसमें आलू डालकर अच्छे से चलाएँगे। इसमें हल्का सा दूध डालेंगे, जिससे कि कलर बहुत अच्छा आता है और सब मसाले अच्छे से मिल भी जाते हैं। और इसमें हल्की सी चीनी भी मैंने डाली है, और स्वाद अनुसार अपना नमक भी ऐड कर लीजिए, और इसको अच्छे से चला लीजिए। जब ये मसाला तेल छोड़ने लगेगा, अब इसमें हम डाल देंगे पानी। ये पानी येलो है क्योंकि जो मिक्सी का जार था वही धोकर के मैंने पानी डाल दिया है, जो मसाला क्योंकि उसमें लगा हुआ था, इसी वजह से मैंने वो पानी इसमें डाल दिया। देखिए आलू का पानी अब उबलने लगा है अच्छे से। अब लास्ट में हम इसमें ये पकौड़े डाल देंगे, कोफ्ते अपने, और गरम मसाला डाल करके 5 मिनट ढक करके छोड़ देंगे। सब्जी बनके तैयार हो गई है। एक बाउल में निकाल लिया है। सब्जी इस सब्ज़ी को आप जो है कोफ्तों की सब्ज़ी रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ भी खा सकते हैं। लंच में मैंने राइस के साथ ही इसे सर्व किया था। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।